नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया। क्या कश्मीर में नहीं फहराने दिया जा रहा तिरंगा? क्या कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए लेनी पड़ रही है इजाजत? क्या कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए करना पड़ रहा है धरना? अब ये सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि कश्मीर में कुछ लोगों को तिरंगा नहीं फहराने दिया जा रहा है। उन लोगों को भारत में तिरंगा फहराने के लिए विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही चौंकाने वाली खबर सामने आई। जम्मू कश्मीर के किश्तवार कॉलेज के छात्रों को तिरंगा फहराने की इजाज़त नहीं दी जा रही। एक जगह कॉलेज प्रशासन इस विवाद पर कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो वहीं कॉलेज के छात्रों ने सीधे सीधे प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। बता दें, ये विवाद 22 अप्रैल को शुरू हुआ था, जब कुछ छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से मांग की थी कि उन्हें तिरंगा फहराने दिया जाए। अब छात्रों के मुताबिक उन्हें तिरंगा फहराने की इजाज़त नहीं दी गई, तो खुद एक छात्र ने कैमरे के सामने आकर इसका खुलासा किया। अब इस कश्मीरी युवक ने आरोप तो बहुत गंभीर लगाया। अगर किश्तवाड़ का ये कॉलेज वहाँ के छात्रों को तिरंगा फहराने नहीं दे रहा है, तो इस मामले की पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। कॉलेज के छात्रों का गुस्सा कॉलेज प्रशासन के लिए नहीं रुका। जब उन्हें कॉलेज प्रशासन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उन्होंने बुधवार को कॉलेज के मुख्य गेट पर ही तिरंगा फहरा दिया। वहाँ खड़े युवक भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारे लगा रहे। अब जब विवाद बढ़ता दिखा, तो कॉलेज के प्रिंसिपल पवन शर्मा की नींद टूटी। उन्होंने इस विवाद पर खुलकर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रशासन को बचाते हुए जरूर दिखे। उनके अनुसार उन्होंने छात्रों को तिरंगा फहराने से मना नहीं किया था, बस कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी। तो सुना आपने, प्रिंसिपल साहब किस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्हें तिरंगे का सम्मान भी याद नहीं रहा और उसकी गरिमा भी। लेकिन ये सोचने वाली बात है, तिरंगा फहराने के लिए विवाद खड़ा ही क्यों हुआ? अगर देश का तिरंगा देश में ही फहराने की इजाज़त लेनी पड़े, तो ये बेहद शर्मनाक है। अगर देश का तिरंगा फहराने के लिए प्रशासन को मीटिंग करनी पड़ेगी, तो ये भी बेहद शर्मनाक है। अब अगर विरोध कर रहे छात्रों की बात में जरा भी सच्चाई है, तो कॉलेज के खिलाफ सख्त कदम उठाना जरूरी है। इसी तरह की न्यूज अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।